बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डाटा सिक्योरिटी की डिटेल्स देखी थी और साथ के साथ ये भी देखा था कि वो कौन से तरीके कार हैं जिनके बिना पर कोई अनऑथराइज यूजर आपकी डाटा की सिक्योरिटी को वॉयलेट कर सकता है, यानी आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर को इन तमाम डैमेजेस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे हमें कंप्यूटर की सिक्योरिटी पर भी फोकस बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, ये किस तरह का तरीकेकार है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के लोगों से जो आपके कंप्यूटर और उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को तब्दील कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये तरीकेकार कहलाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की नीड क्यों पेश आती है। तो फ्रेंड्स याद रखें, कंप्यूटर के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बिना पर कंप्यूटर को कोई भी अटैक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इनमें जो नंबर वन है वो है अ कंप्यूटर कैन डू एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोग्राम टू डू, यानी कंप्यूटर में आप जो कुछ भी देखते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पीछे प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। और वो प्रोग्राम ही दरअसल कंप्यूटर को बताता है कि जब कोई भी इवेंट हो, जैसे कि कुछ क्लिक होगा, कुछ ओपन होगा, तो आपको क्या करना है। इन शॉर्ट, कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी कंप्यूटर करता है वो उसके बनाने वालों ने उस पर प्रोग्राम किया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स अब आप ये बताएं कि जो भी चीज प्रोग्राम हो सकती है, क्या वो रीप्रोग्राम नहीं हो सकती। यानी जो कंप्यूटर को बनाने वाले हैं वो भी प्रोग्रामर है, और जो हैकर हैं, यानी जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी दरअसल प्रोग्रामर ही होते हैं। कंप्यूटर की तमाम नॉलेज उन्हें भी होती है। तो जिस तरह प्रोग्रामर कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं अपनी नॉलेज की बिना पर, इसी तरह हैकर्स अपनी नॉलेज की बिना पर उस प्रोग्राम को तब्दील करके कंप्यूटर को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका कंप्यूटर सिर्फ वही कर सकता है जो उस पर प्रोग्राम हुआ हुआ है। इसीलिए इट कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम आइदर मालफंक्शंस और अटैक्स। यानी अगर आपके कंप्यूटर में इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई भी है जिसके जरिए वो अपने आप को मालफंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शन और अटैक से बचा सके जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो कभी भी अपने आप को उन अटैक से नहीं बचा सकता। इसीलिए ये जिम्मेदारी आयद होती है कंप्यूटर्स के बनाने वालों की कि वो कंप्यूटर में ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करें जिनके जरिए वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। तो इस जमरे में जो सबसे पहली चीज है वो है फिजिकल एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों फिजिकल एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस में वो तमाम तरीकेकार आते हैं जिनके जरिए ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टूल्स और मेथड्स के थ्रू ये पता लगाती हैं कि आया जो भी बंदा हमारे सर्वर रूम में दाखिल हुआ है। सर्वर रूम इस तरह का रूम होता है जिसके अंदर तमाम डेटा पड़ा हुआ होता है किसी भी कंपनी का। तो जो भी बंदा हमारे सर्वर रूम में दाखिल हुआ है उसको ये एक्सेस हासिल है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका तमाम डेटा एक रूम में पड़ा हुआ है और उस रूम में सिर्फ कंपनी के कुछ अहम लोगों को ही जाने की इजाजत है, बाकी जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उस रूम में नहीं जा सकते। तो यहाँ जो लोग उस रूम में जा सकते हैं वो कहलाएंगे ऑथराइज यूजर। अभी तक हमने बहुत दफा ऑथराइज और अनऑथराइज यूजर की बात की है, तो वो लोग जिनको उस कमरे में जाने की परमिशन है वो कहलाएंगे ऑथराइज यूजर्स, यानी ऐसे यूजर्स जिनको वहां जाने की परमिशन है। और जो लोग वहां नहीं जा सकते वो कहलाएंगे अनऑथराइज यूजर्स, यानी वो तमाम लोग जिनको वहां जाना अलाउ ही नहीं है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंप्यूटर्स को अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचाने के लिए कुछ सिक्योरिटी टेक्निक्स अपना लेती हैं, और जो डिपेंड करता है उन सिक्योरिटी सिस्टम्स पर। तो वो सिक्योरिटी सिस्टम सबसे पहले पूछते हैं समथिंग यू हैव, यानी आपके पास क्या है, क्या कोई ये आपके पास मौजूद है या फिर कोई कार्ड वगैरह जो आपकी शनाख्त कर सके और बता सके कि क्या आप ऑथराइज यूजर हैं भी या नहीं। दोस्तों अक्सर आपके पास आपके घर की चाबी है, तो आपके पास आपके घर की चाबी है इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऑथराइज यूजर हैं। इसी तरीके से अगर आप बैंक में जाते हैं और आपके पास आपका स्मार्ट कार्ड मौजूद होता है, उसी के बिना पर आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये जो की और स्मार्ट कार्ड हुआ, तो ये भी क्या होते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए एक
आपकी शनाख्त करते हैं, बताते हैं कि आप एक ऑथराइज्ड यूजर हैं क्योंकि आपके पास की भी मौजूद है, आपके पास स्मार्ट कार्ड वगैरह या फिर मौजूद है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी सिस्टम्स ये भी पूछ सकते हैं समथिंग यू नो, यानी आप क्या जानते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई भी कंप्यूटर लॉगिन करते हैं तो पहली चीज आती है पासवर्ड, और वो पासवर्ड उसी को पता होगा जो कि ऑथराइज्ड यूजर होगा। इसी तरह पासवर्ड के साथ साथ किसी आईडी नंबर, किसी का आईडी नंबर भी हो सकता है या लॉक नंबर भी, जो कि उन सिस्टम्स को ये बताएगा कि ये ऑथराइज्ड यूजर ही है क्योंकि इसको ये तमाम चीजें मालूम है। और तीसरी चीज है समथिंग यू डू, यानी आप क्या कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप ऑथराइज्ड हैं भी या नहीं। तो आमतौर पर लोग सिग्नेचर्स के थ्रू भी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं क्योंकि सिग्नेचर्स हर किसी का यूनिक होता है। अक्सर चेक्स वगैरह पर सिग्नेचर ही आपकी शनाख्त करता है। और अब जो सबसे आखिरी और पावरफुल तरीकेकार है वो है समथिंग अबाउट यू, यानी आप कौन है। दोस्तों अगर हम आईडी पासवर्ड्स की बात करें तो वो चोरी हो सकते हैं, सिग्नेचर्स आप भूल भी सकते हैं, कार्ड्स आप खो भी सकते हैं। इसीलिए अब ऑथराइज्ड यूजर की तस्दीक के लिए जो सबसे मौसर अंदाज है वो है आप खुद, यानी जो भी ऑथराइज्ड बंदा होगा उसकी वॉइस यानी उसकी आवाज, उसके फिंगरप्रिंट्स यानी उसका अंगूठा वगैरह, आंखों का रेटिना और चेहरे के फीचर्स की डिटेल्स कंप्यूटर सिस्टम्स में डाल दी जाती है, और उन्हीं की बिना पर जो भी बंदा, जो भी ऑथराइज्ड यूजर उस रूम में एंटर होगा जहां डाटा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो अपनी चेकिंग करवाएगा। अगर उसकी तमाम चीजें जो कि मैंने अभी ऊपर बताई हैं मैच कर जाएंगी तभी वो डोर ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। और इस तरीके को कहा जाता है बायोमेट्रिक। लेकिन फ्रेंड्स ये तमाम सिक्योरिटीज किसी एक सर्वर रूम के लिए है जहां फिजिकली तमाम डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये इंटरनेट का जमाना है जहां तमाम कंप्यूटर्स आपस में, पूरी दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने की वजह से एक कंप्यूटर में पड़ा हुआ डाटा दूसरे कंप्यूटर में डालना कोई मुश्किल बात नहीं। तो इस डिजिटल दौर में कंप्यूटर की सिक्योरिटी करना भी कोई इतनी आसान बात नहीं, बल्कि जो हमने ऊपर टेक्निक्स देखी हैं इनके साथ साथ हमें मजीद सिक्योरिटी टेक्निक्स अप्लाई करनी होंगी, बल्कि इन तमाम टेक्निक्स को भी और पावरफुल बनाना होगा। तो इस जमरे में जो सबसे पहली चीज है वो है पासवर्ड्स। अ पासवर्ड इज अ कोड वर्ड और सिंबल दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी पासवर्ड क्या हो सकता है। दोस्तों कोई भी लफ्ज हो सकता है, कोई कोड हो सकता है या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है, और इसका काम क्या होता है, ये आपकी शनाख्त करता है कि आया आप ऑथराइज्ड यूजर हैं भी या नहीं। दोस्तों ये अब तक का सबसे कॉमन टूल है फॉर एक्सेस कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब आपने देखा भी होगा कि चाहे किसी कंप्यूटर में जाने से पहले, किसी वेबसाइट को ओपन करने से पहले, हत्ता के किसी सोशल मीडिया साइट पर एंटर होने के लिए भी जो सबसे पहली चीज होती है वो है पासवर्ड। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता या अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो इनमें से किसी भी चीज तक आप रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप अपने कंप्यूटर में या किसी भी वेबसाइट पर या फिर किसी भी एप्लीकेशन पर कोई पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही चूज करें जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स वगैरह सब आते हों, क्योंकि जितना मुश्किल पासवर्ड होगा हैकर्स के लिए भी उस पासवर्ड को गैस करना उतना ही मुश्किल होगा। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स में भी पासवर्ड यूज किए जाते हैं। दोस्तों एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप इस कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं, यानी आपको इस किसी भी कंप्यूटर को यूज करने के लिए क्या क्या राइट्स हासिल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका डाटा नेटवर्क पर पड़ा हुआ है तो तमाम एम्प्लॉयज उस डाटा को देख सकते हैं, इसकी उन्हें परमिशन है, लेकिन उस डाटा में चेंजिंग वगैरह सिर्फ उस कंपनी का हेड ही कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय ने वो डाटा ओपन किया और चाहा कि इसमें चेंजिंग कर दूं, तो फौरन वहां एक पॉपअप आ जाएगा कि एक्सेस डिनाइड, फर्स्ट एंटर द पासवर्ड, यानी आप ये डाटा चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने के लिए भी आपको पासवर्ड की जरूरत है, और पासवर्ड तो सिर्फ हेड के पास है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो यूजर्स को कंट्रोल करते हैं बाय मॉडिफाइंग डेटा, ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। इसी चीज है कि अगर आप अपने पासवर्ड के साथ
इन सिस्टम्स को जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अटैच कर दें तो आप अपने कंप्यूटर्स को मजीद सिक्योर बना सकते हैं। तो उनमें सबसे जो सिस्टम है, सबसे बेस्ट सिस्टम है, वो है कॉल बैक सिस्टम। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आप कभी किसी न्यू डिवाइस से अपनी फेसबुक या गूगल की साइट पर से लॉगिन होते हैं, यानी किसी न्यू डिवाइस, किसी नए मोबाइल या कंप्यूटर से आप लॉगिन होते हैं तो आपने आईडी पासवर्ड तो डाला होता है, यानी आप ऑथराइज्ड यूजर होते हैं, फिर भी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए ये साइट्स आपको मैसेज भी सेंड करती हैं कि समवन लॉगिन फ्रॉम न्यू डिवाइस। तो ये एक एडिशनल वे है फॉर सिक्योरिटी। और दोस्तों ये तो मैसेज की बात हो गई, इसी तरह कुछ कंपनीज कॉल बैक सिस्टम यूज करती हैं। जैसे ही उनके सिस्टम में यूजर लॉगिन होता है वो पहले उन यूजर्स को कॉल करती हैं कि आया आपके सिस्टम में कोई लॉगिन हुआ है, क्या वो आप ही हैं, और फिर ही उसे उस सिस्टम में एंटर होने की परमिशन देती है। तो ये कुछ तरीके कार थे जिनमें आपने ये देखा कि पासवर्ड तो रिकॉर्ड था ही, साथ के साथ और भी न्यू टेक्नोलॉजीज का इजाफा करके आपके सिस्टम को मजीद सिक्योर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वक्त की कमी के बाइस हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न करेंगे जिनके जरिए आप अपने कंप्यूटर और उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।